हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी मानसून शुरू हो चुका है, बरसात का मौसम आ चुका है और बरसात के मौसम में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है ताकि हम बीमार ना पड़ें, क्योंकि बरसात का मौसम जैसे ही आता है अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को साथ भी लेकर आता है। इसमें बहुत सारी बीमारियाँ फैलने लगती है, वायरल इन्फेक्शन तेज़ी से होता है फ्रेंड्स, और बैक्टीरिया भी बहुत ही तेज़ी से पनपने लगता है। इसलिए हमें बरसात के मौसम में खास करके इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खान पान गड़बड़ होने की वजह से फ्रेंड्स आप बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बारिश के मौसम में आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। उसके लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में इस पर वीडियो बना दिया है फ्रेंड्स कि बारिश के मौसम में आपको क्या क्या खाना चाहिए जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर इसे इस वीडियो को देख सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या नहीं खाना चाहिए और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए जिससे आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं और खुद को स्वस्थ रह सकते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बारिश के मौसम में आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों पे इन्फेक्शन और बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनपते हैं, इसलिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बारिश के मौसम में नहीं करना चाहिए। जैसे कि पत्ते गोभी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्ता गोभी में बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसमें कीड़े छुपने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसलिए पत्ते गोभी का सेवन बारिश के मौसम में नहीं करना चाहिए। और साग का भी सेवन आपको बारिश के मौसम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पत्ते में भी कीड़े छुपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कीड़े इससे चिपके होते हैं तो बैक्टीरिया पनपने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप इसके साग का सेवन करते हैं तो इसकी सफाई अच्छे से करके कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसकी सफाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे जिससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको हरे साग का और हरे पत्तेदार वाली सब्जियों का सेवन बारिश के मौसम में नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है कि सड़ी हुई सब्जियों का और फलों का सेवन आपको बारिश के मौसम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी बैक्टीरिया पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अल्कोहल का सेवन बारिश के मौसम में आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, वैसे तो अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता ही है, लेकिन अगर जो करते हैं उनको मैं ये बोलूँगी कि खास करके बारिश के मौसम में अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप इन्फेक्शन से बीमार पड़ सकते हैं। और जिन खाद्य पदार्थों की तासीर ठंडी होती है उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम का सेवन आपको कम से कम करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तब तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन अगर करते हैं तो कम से कम कीजिएगा। और दही का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है और इसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी से पनपते हैं, इसलिए बरसात के मौसम में आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स, दूषित भोजन और पानी का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, इससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दूषित भोजन और पानी में बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ी से पनपते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में आपको कटी हुई सब्जी और कटी फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटी हुई फलों पे बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ी से पनपते हैं, इसलिए आप फलों को ज़्यादा देर तक काट कर नहीं रखें, नहीं तो हवा के संपर्क में आती हैं, इस पर बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ी से पनपने लगते हैं। इसलिए आपको अगर फलों का सेवन करना है तो आप अपने घर पे कीजिए, बाहर सड़क के किनारे ठेले और स्टॉल से बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। कोई भी जूस और कटे हुए फल का सेवन बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो खुला रहता है और काफ़ी देर से फल जो है काट कर रखा हुआ रहता है जिसपे बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनप गए होते हैं, और आप उसे अगर खाएंगे और उस जूस का सेवन करेंगे तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसके साथ ही आपको ज़्यादा तैलीय और मसालेदारी चीज़ें जो है बरसात के मौसम में नहीं खाना चाहिए, खास करके आपको सड़क के किनारे, रोड के किनारे, कोई भी ठेले से और स्टॉल से बाहरी चीज़ आपको नहीं खाना चाहिए बरसात के मौसम में, क्योंकि आप इसमें खुले हुए चीज़ों में बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ी से पनपते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, बीज वाली सब्जियों को, जैसे कि बैंगन को आपको बरसात के मौसम में नहीं खाना चाहिए, बैंगन की सब्जियों को, क्योंकि बैंगन में बहुत ज़्यादा बीज होते हैं और बरसात के मौसम में बैंगन में कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए आपको बैंगन का सेवन बरसात के मौसम में नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बीमार होने से बच सकते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही आपको गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए बरसात के मौसम में। इस तरीके से आप अपने खुद को स्वस्थ रख सकते हैं अगर इन बातों का आप
ध्यान रखेंगे तो। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बता दिया कि आपको बरसात के मौसम में किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको कुछ सावधानियां बता रही हूँ जिसको बरत के आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, हमेशा खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साबुन से या हैंड वॉश से अच्छे से धो लें, क्योंकि आपके हाथों पे बैक्टीरिया चिपके होते हैं जो आपको नहीं दिखाई देते हैं और आप खाने के साथ आपके पेट के अंदर चले जाते हैं, जिससे आप इन्फेक्शन आपको हो जाता है और आप बीमार पड़ जाते हैं। इसके साथ ही सब्जियों को और फलों को अच्छी तरीके से धोकर बरसात के मौसम में खाना चाहिए, क्योंकि इस पर बैक्टीरिया ज़्यादा चिपके होते हैं। साथ ही फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए बरसात के मौसम में। साफ सफाई का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और नियमित रूप से गर्म पानी से गरारे करना चाहिए और भाप भी लेते रहना चाहिए। इससे आपको सर्दी खांसी जुकाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। और कहीं भी पानी को आपको ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी में बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ी से पनपते हैं बरसात के दिनों में, तो इससे आपको टाइफाइड ये सब मच्छर की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखना आपको। और बासी भोजन का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बरसात के मौसम में। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बरसात के मौसम में भी स्वस्थ रहेंगे और खुद को बीमार होने से बचा सकेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है फ्रेंड्स, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।